नमस्ते, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। मैं हूं सोनाली। कृति सैनन और पंकज त्रिपाठी की नई फिल्म आ रही है मिमी, हमारे लिए आने वाली है मगर कुछ लोगों के लिए आ चुकी है। जिनके लिए पिक्चर आ गई उनकी शामत भी जल्दी आने वाली है। वर्ड प्ले में मत फंसिए, काम की बात कान खोल कर सुनिए। 30 जुलाई को नेटफ्लिक्स और जियो सिनेमा पर रिलीज के लिए शेड्यूल्ड फिल्म मिमी लीक हो गई है। किसी फिल्म के लीक हो जाने का मतलब ये होता है कि रिलीज की तारीख के पहले गैर कानूनी तरीके से डाउनलोड के लिए उसका उपलब्ध हो जाना, इसी को शास्त्रों में पायरेसी कहा गया है। मिमी फिल्म भी टेलीग्राम समेत कई फर्जी वेबसाइट्स पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो गई। क्या फिल्म वाकई लीक हो गई है? जानने के लिए कुछ लोगों ने इसे डाउनलोड करके देखा, फिर बताया कि एकदम सही चल रही है। फिल्म के पहले सीन में जो किरदार दिखता है उसका नाम है मनोज दुबे। मनोज दुबे का रोल प्ले किया है अनूप त्रिवेदी नाम के एक्टर ने। फिल्म की क्वालिटी थोड़ी खराब है मगर इसे इलीगल तरीके से डाउनलोड करके देखने पर स्वास्थ्य खराब होने का खतरा भी बना हुआ है। ऐसा हमारा नहीं, सरकार का कहना है। अगर लीक वाली खबर का यकीन नहीं हो रहा तो फिल्म के ओपनिंग सीक्वेंस का ये स्क्रीन ग्रैब भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इतनी बात हो गई है तो फिल्म के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। कहानी है राजस्थान में रहने वाली लड़की मिमी की। मिमी पैसों के लालच में सरोगेसी की मदद से एक अंग्रेज कपल के लिए बच्चा पैदा करने को तैयार हो जाती है मगर बवंडर तब शुरू होता है जब वो अंग्रेज कपल बच्चा लेने से इनकार कर देता है। हमने फिल्म का ट्रेलर देखा है इसलिए मिमी की समस्या समझ सकते हैं मगर उसके माँ बाप ने नाक में दम कर दिया है क्योंकि शादी के पहले माँ बनना इंडिया में अभी भी टैबू कैटेगरी में आता है। टैबू मतलब वो काम जिन्हें करना तो दूर उसके बारे में बात करना भी वर्जित है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है लक्ष्मण उतेकर ने। लक्ष्मण सिनेमेटोग्राफर थे। इंग्लिश में इंग्लिश, डियर जिंदगी और हिंदी मीडियम जैसी फिल्मों में अपना छायांकन का जलवा बिखेर चुके हैं। 2019 में कार्तिक आर्यन और कृति सैनन को लेकर लुका छुपी नाम की फिल्म बनाई थी, अब मिमी लेकर आए हैं। फिल्म में म्यूजिक A.R. रहमान का है। अब तक दो गाने रिलीज हो चुके हैं, परम सुंदरी और रिहाई, दोनों खूब सुने जा रहे हैं। अब अगर आप भी दाएं बाएं झांक कर लिंक जुगाड़ने के फेर में लगे हैं तो ये जान लीजिए कि इस वीडियो को शूट करते करते ही मुझे ये खबर मिली कि नेटफ्लिक्स ने इस फिल्म के लीक होने के कारण आज ही इस फिल्म को रिलीज कर दिया है। यानी कि अभी आप नेटफ्लिक्स पर इस फिल्म को देख सकते हैं ऑफिशियली। पायरेसी के चक्कर में ना फंसे, देखते रहे दी ललन टॉप। ये खबर आपके लिए लिखी हमारे साथी श्वेतांक ने। शुक्रिया।